तो एस्टल के नंबर आउट हो चुके हैं और एस्टल के नंबर हम इस वीडियो में जो है रिव्यू करने वाले हैं। अगर देखें तो जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू से Q4 में रहा है। कंसोलिडेटेड नंबर्स की हम ये बात कर रहे हैं, 15,062 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने प्राप्त किया है, जो कि बाई ऑन बाई पे यानी कि पिछले साल 13,906 करोड़ का देखने को मिल रहा था। बाई ऑन बाई ग्रोथ की बात करें तो 8.3% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ये जो रिवेन्यू था, रिवेन्यू कंपनी का पिछले क्वार्टर में 12,678 करोड़ का देखने को मिल रहा था, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 18.8% की तेज़ी हमें देखने को, ग्रोथ देखने को हमें कंपनी में मिलेगी। टोटल रिवेन्यू पूरे साल की अगर हम देखें तो 51,585 करोड़ में देखने को मिलेगा, जो कि 2021-22 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 43,940 करोड़ था। बाई ऑन वाई की ग्रोथ अगर हम देखें तो 17.4% के हिसाब से जो है सालाना बेसिस पे रिवेन्यू कंपनी का बढ़ा है। ईबीआई टीडीए की बात करें तो ईबीआई टीडीए जो है 3,140 करोड़ हमें देखने को अभी के समय में मिल रहा है, जो कि 2,313 करोड़ था, और 35% का जंप जो है इसमें बाई ऑन बाई बेसिस पे देखने को हमें मिल रहा है। अब पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 1,844 करोड़ का ईबीआई टीडीए था, 70% का जंप जो है एस्टल के नंबर्स में हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ईबीआई टीडीए में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें हम, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये रहा, 1,990 करोड़ का हमें कंपनी का देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल हमें 1,441 करोड़ देखने को मिल रहा था। इसमें अगर ग्रोथ देखें तो 38% की ग्रोथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 949 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, वहाँ से डबल, मोर देन डबल होता हुआ कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। पूरे साल का अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 4,595 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का देखने को मिलता है, जिसमें कि 6.3% के हिसाब से गिरावट है 2022 के नेट प्रॉफिट से, जो कि 4,904 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। अब अगर हम देखें तो ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें कितना मार्जिन कितना रहा है, 13.2% का मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 10.4% का था और पिछले क्वार्टर में जो है 7.5 का था। यानी कि जो मार्जिन है, मार्जिन लगातार कंपनी का इंक्रीज होता हुआ हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी की इंक्रीज हुई है, इंक्रीज होकर 7.66 रुपये के आसपास पहुंच गई है, जिसमें कि देखें बाई ऑन बाई बेसिस पे 45% की ग्रोथ हमें जो है देखने को मिलेगी, और क्यू ऑन क्यू पे 121% की ग्रोथ देखने को मिलेगी 3.40 रुपये से। यानी कि अर्निंग पर शेयर भी बड़े शानदार तरीके से कंपनी की इंक्रीज होते हुई हमें देखने को मिल रही है। अब फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है देखने मिलेगा कि ये जो रिवेन्यू है, ये रिवेन्यू हमें लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। 2019-20 में जो है कंपनी ने 25,779 करोड़ का रिवेन्यू प्राप्त किया था, 20-21 में 31,763, और 21-22 में 43,940 करोड़ का, और 22-23 में जो है 51,585 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। कंपनी का जो शेयर है ऑलरेडी बुल रन पे है, हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था 1,450-60 रुपये के लेवल पे, और अभी शेयर का जो प्राइस है 1,600 रुपये के आसपास पहुंच गया है, और जिस तरह के नंबर्स हमें कंपनी के देखने को मिल रहे हैं हमें जो है लगातार तेज़ी शेयर में आगे भी देखने को मिल सकती है। ईबीआई टीडीए की बात करें तो इसमें भी जो है लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। 19-20 में अगर हम देखें तो 4,534, 20-21 में देखें तो 6,626, 21-22 में देखें तो 7,883, और 22-23 में देखें तो 8,351 करोड़ का जो है ईयरली ईबीआई टीडीए हमें देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे भी लगातार हमें इंक्रीज इसमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़ी सी गिरावट हमें जो है देखने को मिल रही है। यानी कि हमें पता है जो पूरे 3 क्वार्टर गए हैं, यानी कि Q1 और Q2 और जो है Q3, 3 क्वार्टर जो रहे हैं, 3 क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही है। यानी कि जो मार्जिन रहे हैं 10% से नीचे के मार्जिन के साथ कंपनी ने काम किया है, और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट यानी कि प्रॉफिट में बड़ी गिरावट कंपनी के आई है, उस वजह से ये जो गिरावट है हमें कंपनी की देखने को इसमें मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 19-20 में जो है 3,061 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 20-21 में 5,330, और 21-22 में 6,485 करोड़ का जो है हमें
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा था, जिसमें कि गिरावट हुई है करंट ईयर में, जो कि 6,170 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो यह है कैंडलस्टिक पैटर्न में एस्ट्रल का शेयर। अब यहाँ पे क्या है, जब ये शेयर यहाँ पे बोनस शेयर ने दिए थे तो शेयर का चार्ट उस हिसाब से एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो गया था। 1300 रुपये के आसपास की सपोर्ट कंपनी की देखने को मिलेगी, और 1300 रुपये की सपोर्ट से जो है शानदार रिकवरी शेयर में देखने को मिली है। शेयर जो है 1300 रुपये से 1600 रुपये तक जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 1595 रुपये के करंट प्राइस के साथ आज के दिन शेयर ने मार्केट में क्लोजिंग दी है। एक ब्रेकआउट हमें जो है इस लेवल पे देखने को मिला था, 1470 रुपये के आसपास का ये लेवल था, 1450 से 1470 का, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। और ब्रोकर रिसर्च में जो है 1600 रुपये के टारगेट जो है दिए गए थे, यानी कि अगला जो रेसिस्टेंट था, अगले रेसिस्टेंट के आसपास के टारगेट जो है ब्रोकर रिसर्च में दिए गए थे। अब जिस तरह की Q4 की अर्निंग्स है, मुझे काफ़ी ज़्यादा विश्वास है कि ये जो रेसिस्टेंट है 1600 रुपये का, ये भी हमें जो है ब्रोक यानी कि ब्रेक होता हुआ देखने को मिल सकता है, और कल के दिन एस्ट्रल के शेयर में बड़ी तेज़ी जो है हमें देखने को मिल सकती है। बड़ी तेज़ी ना भी देखने को मिले तो ब्रेकआउट कल के दिन ज़रूर हमें शेयर में देखने को मिल सकता है। अगर 1600 रुपये के लेवल पे ब्रेकआउट देता है, यानी कि पॉजिटिव ब्रेकआउट अगर आता है, तो जो है हम ये मान के चल सकते हैं कि शेयर जो है 1800 रुपये और 2000 रुपये के जो टारगेट हैं वो इसके अगले टारगेट हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के जो भी निवेशक हैं, आपको पता है पूरे जो 3 क्वार्टर रहे हैं स्टार्टिंग के फाइनेंशियल ईयर 2023 के, जो 3 क्वार्टर हैं बिल्कुल ख़राब गए हैं, कंपनी बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो अब जो है आपका पेशेंस जो है, आपने जो पेशेंस रखा है उसका रिजल्ट जो है अब आपको मिलने वाला है, और शेयर जो है आपका चलने वाला है। जिन लोगों ने निवेश किया है नीचे के लेवल पे 1400-1300 के बीच में, पेशेंस रख के कंपनी में बने रह सकते हैं। जो पहले से कंपनी को होल्ड करते आए हैं लॉन्ग टर्म में, 2-3 साल पहले से कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, वे भी कंटिन्यूसली होल्ड करके चल सकते हैं, और जो भी उनका ईयर वाइज टारगेट है उसको जो है फॉलो करके चल सकते हैं। कंपनी में किसी भी तरह की दिक्कत अभी हमें नज़र नहीं आ रही है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस Q4 में हमें जो है कंपनी की देखने को मिली है।